कहाँ बेटा, कहाँ बोलो, कहाँ आप जहाँ बोलो, यहाँ ये ठीक है। इनको कोई पीछे रख सकता है? इनको कभी कोई पीछे नहीं रख सकता है। भाई उमंग मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथ में हम इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज में कई समय, हमने कई महीने साथ में बिताए, और उनके बारे में एक चीज़ जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत मर्म दिल के हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं वो। अगर आप उनकी फिल्में भी देखें तो जो सोशल इश्यूज, सामाजिक जो इश्यूज़ हैं जो टच करते हैं उनको, सब ठीक है कर लें, उनको जो सामाजिक इश्यूज़ हैं वो बहुत टच करते हैं। और इसके बारे में जब हम शूटिंग कर रहे थे इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज की, तब मुझे इन्होंने पहली बार ये दिखाया, और मैंने कहा ये क्या है, ये तो फोटोग्राफ है। उसने कहा नहीं, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग है। मैंने कहा ये क्या किया आपने, लोग नॉर्मली फोटो पेंटिंग की फोटोग्राफ लेते हैं और आपने मतलब फोटोग्राफ की पेंटिंग बना दी उल्टा। तो एंड ही शोड मी हाउ ही डिड इट, एंड आई सेड क्यों कर रहे हैं आप? तो वो कह रहे थे कि टू रेज मनी फॉर, ये जो कॉज होता है ना लोग, फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल्स, जानवरों के लिए थोड़ा सा एक सिंपथी के लिए जनरेट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना और उनको एक शेल्टर देना। सो आई लव दैट कॉन्सेप्ट, और तभी मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि जब आप ये लॉन्च करोगे मैं आऊँगा, सपोर्ट करूँगा, और ना सिर्फ सपोर्ट करूँगा, चेक लिख के भी सपोर्ट करूँगा। तो आज एक जो पेंटिंग है वो हम ले रहे हैं एज अ डोनेशन टू द कॉज। गुड इवनिंग बना, कैसे हो आप? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, आप हमेशा ही सोशली रेलेवेंट कॉजेस से जुड़े रहते हैं जी। पर इतने दिन से अदृश्य हैं आप? अदृश्य हैं क्योंकि काफ़ी काम में मसरूफ रहे हैं और काफ़ी चीज़ें अब सुनने में आएंगी, दिखने में आएंगी जी। तो अदृश्य रहने के बाद में ही जो है सामने आने का मज़ा अलग है। आपको पता है कितनी उथल पुथल रही है आपके ना होने से, वरना आप सब संभाल लेते हैं इंडस्ट्री में। नहीं यार, मैं इतना बड़ा काम, मैं तो सिंपल सा साधारण सा आदमी हूँ। मैडम आप कुछ पूछ लीजिए ना सर से। हाँ यार, मेरा एक ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स। यस यार, थैंक यू, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं रामचरण की फिल्म को लेकर। और ये एक मेरे लिए एक वो था कि किक था, एक तुक था कि मुझे साउथ की हर भाषा में एक फिल्म करनी है एक बार लाइफ में, तो इस बार वो भी हो गया। तो तमिल हो गया, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई और कन्नड़ा हो गई, तो चारों भाषाओं में मैंने एक एक फिल्म कर ली है। सो आई एम रियली हैप्पी, और सब अब रिलीज़ होंगी। विवेकम हो चुकी और बहुत अच्छी हिट रही, मुझे फिल्म फेयर के नॉमिनेशन मिला उसके लिए, परफॉर्मेंस के लिए बहुत क्रिटिकल अक्लेम एंड कमर्शियल सक्सेस दोनों मिला। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। इनसाइड एज को शुरुआत कर रहे हैं आप अभी से? हाँ भाई, थोड़ा सा मैं झटका लगा दो दिन पहले, क्योंकि नॉमिनेट हुए थे हम एमी अवार्ड्स के लिए और लास्ट रेस में आगे जाके हार गए, तो थोड़ा सा तो बुरा लगा। लेकिन इनसाइड एज 2 की अब समाप्ति हो गई है, हमने कंप्लीट कर ली शूटिंग और बहुत जल्द वो आएगा, फैंस सारे देखेंगे इनसाइड एज 2, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड टू सी द वर्ल्ड ऑफ इनसाइड एज 2 एंड सी कि भाई विक्रांत धवन अब क्या करेगा। प्रेशर तो है डेफिनेटली, क्योंकि जब पहली बनाई तब कोई छवि नहीं बनी थी, और अब नाउ एवरीबडी फील्स लाइक वाओ दिस इज सच अ ग्रेट शो, वी हैव टू डिलीवर ऑन द सेकंड सीजन। और अब जो स्क्रिप्ट, अब कोशिश हमने पूरी की है और जो स्क्रिप्ट लिखी गई, मुझे उस स्क्रिप्ट पे बहुत विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है इनसाइड एज 2 विल बी इवन बिगर सक्सेस। सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, दिस इशू हैज नॉट बीन लाइक, हमने आपसे आमने सामने भाई ने बात
सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, इस पर आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी और ना आपके विचार अभी तक हमारे सामने आमने सामने आए हैं। आपको लगता है जो कुछ कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं हाल फिलहाल में वो ठीक है? मुझे लगता है कि बदलाव की सख्त ज़रूरत है और जिस देश को हम मातृभूमि में कहते हैं, जिस जहाँ पे हमारी भाषा जो हम शब्द बोलते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं, अब उसी देश में अगर हम महिलाओं की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले अब तो 10 साल हो गए हैं प्रोजेक्ट देवी को और इस बैटल को एक अलग लेवल पे हम 10 सालों से लड़ रहे हैं, जहाँ पे हम छोटी बच्चियों को रेस्क्यू करते आए हैं, जिन्हें खरीद के बेचा जाता है व्यापार की तरह, तो वहाँ से शुरू होती है सारी चीज़ें। एंड एक्सट्रीम केस वो है और ये सारी चीज़ें भी यही है, एक डिसरिस्पेक्ट करना। मुझे लगता है कि वो चीज़ बदलना बहुत ज़रूरी है। जितने भी अब आ रहे हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, ये लॉन्ग ओवरड्यू हैं और इस इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट दुनिया में, पॉलिटिकल दुनिया में, पूरे समाज में बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आपके पास अगर शक्ति है, पावर है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उसका आप उपयोग करें बट दुरुपयोग नहीं। विवेक, एक चीज़ मैं आपसे क्वेश्चन आपसे, आई होप आप इसको बहुत ही सपोर्टिवली लेंगे। रिसेंटली सैफ अली खान करण जो शो में गए थे, उन्होंने कहा था कि वो आपको करियर एडवाइस देना चाहेंगे अगर ऑप्शन जब उन्हें दिया जाए। कैसे करूँ? आपका क्या रिएक्शन होगा इस चीज़? यार, सैफू मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। सैफू आई थिंक जिस स्पेस में आज है, ही इज़ बियॉन्ड एडवाइस। बट उसकी जो बिटिया रानी है सारा, जिसको मैंने आई थिंक जब अमृता जी ने मेरी मॉम का रोल प्ले किया था शूट आउट में, तब सारा और इब्राहिम मेरे सेट पे आए थे और इतने थे। और हाल ही में मैं हैदराबाद जा रहा था अपनी शूटिंग करने के लिए और मेरे बगल में एक छोटी सी मतलब यंग सी लड़की बैठी है, ना सर इसको कहीं देखा हुआ है? एंड शी सर हाय। एंड आई रियलाइज सर ये सारा है। तो सारा इतनी बड़ी हो गई है, तो अभी हम थोड़े से ओल्ड हो रहे हैं ऐसा महसूस हो रहा है। बट सो नाइस टू सी हर, इतनी प्यारी बच्ची, इतनी अच्छी बच्ची, लुकिंग सो गुड, डूइंग सच गुड वर्क। आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर हर एंड आई थिंक बोथ द पेरेंट्स शुड बी वेरी वेरी प्राउड फॉर सारा। आप 1st दिसंबर को आ रहे हो आप? Hi, how are you? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज तो खैर प्लीज। ओके मैम, थैंक यू मैम। अरे मैं लगा सब जा रहा, तो मैं भी निकलता हूँ धीरे से। जी हाँ, चलो बधाई शुभकामनाएं। घी पता कितना महंगा, घी के दिए जला दिए। नहीं, मैं आज हम लोग MTM के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, बिकॉज आप सब लोगों को पता ही होगा शायद, मेरे पास एक लैब्राडोर था जो मेरे शो में बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, तो वो गणेश ने मुझे गिफ्ट दिया था। सो ही इज़ नो मोर, ही पास्ड अवे। सो मैं बड़ा दिल से जुड़ा हुआ हूँ इस NGO के साथ और मुझे खुशी है कि उमंग सर ने ये कैलेंडर जो है डिज़ाइन किया स्पेशली, और आज इसकी ऑप्शन है और उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो AMTM की हेल्प के लिए आगे आएंगे। और सिर्फ AMTM की हेल्प के लिए नहीं, बल्कि जितने भी एनिमल्स हैं जिनको ज़रूरत है, लोगों की, आपके प्यार की ज़रूरत है उनकी हेल्प की, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आएगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू गणेश, उमंग जी और टू मी ऑल्सो, बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। सो मुबारक इस खूबसूरत काम के लिए एंड थैंक यू सो मच। ये बंदा हनीमून तक जाएगा, अभी देखना। मैं अभी शादी के लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम लोग। जी
जी मुंबई में हम लोग रिसेप्शन करेंगे उसके लिए, हमारे सब फ्रेंड्स के लिए, नियर्स एंड डियर्स के लिए, और बाकी जैसी होती वैसी होगी और क्या होगा। अच्छा आपके बधाई शो के लिए रेखा जी, मेरा कितना फिक्स है लग रहा है आपको देख के कि भाई शो में रेखा जी जरूर जरूर, शो का तो पता नहीं पर शादी में जरूर है जी मैम। ये तो अपने दिल पे पत्थर मारा है। चलो थैंक यू, मुझे निकलना है। Well, I've had the opportunity to meet Mr. Umang Survey at very few occasions actually. He's been the art director of Star Screen Awards as well. That was the first time I met him. So that was the first time I met him. Then, you know, I've had the chance of meeting him at his office at my house and discussing various scripts, and you know, very soon hopefully we should work together. So yeah, looking forward to that day. I think खासकर क्योंकि जो cause है, जो initiative है, I really salute Mr. Umang sir for doing this, because you know for animals I'm just going to do everything in my power to help, and you know what better way to do it to Mr. Umang sir's initiative. He's a major ardent fan of animals. Yes. So everyone who's associated with animals, we welcome. And he was gracious enough to come over here. Yeah, thank you. Thank you, sir. And you know, it's something like a passion that we want everything and everyone to be staged. These are all hand painted by us, and you know, and we're auctioning the original paintings also. As much money raised as good. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Like, you also have an inclination towards painting. Not really, sir. I'm not very artistic. Animal lover. बहुत हाँ, yeah, I'm an animal lover. But if you ask for art, I'm not very talented. Anything specially would you like to say about this calendar जो आप कहना चाहेंगे, अगर specifically अगर आपने देखा हो? Well, I've just seen this drawing so far, and this is fantastic. अभी जा के देखूँगा सर, उसके बाद बता दूँगा आपको. Thank you. Obviously a very sad issue. It's obvious that you know it's something that's happening, it's bahut rampant hai all over the world, and I think we should do our part to plant a tree wherever we can. Thank you.